हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंट ऑर्बिटल्स व्हिच रिजल्ट इन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन ओनली, सीबीएसई का ये पार्ट नहीं है। स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन को देखते हैं। तो इसमें कार्बन जो है इट इज हैविंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस साइक्लोप्रोपेन। दिस इज द बॉन्ड नोटेशन, ये बॉन्ड नोटेशन में है। ये जो है दिस इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला एंड दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला। तीनों ये लिखी हुई है। नाउ इसमें क्या होता है, इन तीनों जो ये साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर है इसमें जो कार्बन सी एंड सी बॉन्ड में 60 डिग्री एंगल होता है। दिस इज द 60 डिग्री एंगल। ओके, नाउ ड्यू टू दिस 60 डिग्री एंगल इसमें एक हैवी एंगल स्ट्रेन होती है। द रीजन बीइंग, अगर आपको ये पता हो कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, इफ इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सो बॉन्ड एंगल जो है इट शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल इट शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट इसमें एंगल कितना है, इट इज द 60 डिग्री। ओके, ड्यू टू इट स्ट्रक्चर। तो होना तो 109 डिग्री 28 मिनट्स चाहिए, पर है कितना, 60 डिग्री, ड्यू टू विच इट हैज अ हाई एंगल स्ट्रेन। आपको ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे के पास होंगे उतना एंगल स्ट्रेन ज्यादा आएगा। तो लेस इज द बॉन्ड एंगल, मोर इज द एंगल स्ट्रेन। ऑप्टिमम एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, पर है कितना, 60 डिग्री। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये सिमिलर स्ट्रक्चर हमने P4 का किया हुआ है इन द 16 ग्रुप। तो उसमें भी P4 जो होता था उसकी हाईली स्ट्रेन स्ट्रक्चर थी, क्योंकि बॉन्ड एंगल उसमें 60 डिग्री होता था। फॉस्फोरस की sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती थी, पर बॉन्ड एंगल वाज 60 डिग्री। तो सेम इज द केस विद द साइक्लोप्रोपेन। इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 109 डिग्री 28 मिनट्स इसका एंगल होना चाहिए, पर है कितना, 60 डिग्री। तो विच रिजल्ट्स इन द हाईली आपका जो है एंगल स्ट्रेन। बट जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो कंपेरेटिवली P4 के मुकाबले में स्टेबल होता है। So, cyclopropane is a having stable ring despite of having high angle strain. अब ऐसा क्यों है, P4 तो इतना reactive था कि उसको kerosene में dip करके रखना पड़ता था। अगर water में डालेंगे या O2 के साथ react कराएंगे तो वो फटाफट उसकी burning हो जाएगी। पर ये problem cyclopropane के साथ में नहीं है, इसकी stable ring है। हालांकि angle 60 degree है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, दोनों में 60 degree है, पर it is having a stable ring। ऐसा क्यों है? अब इसके पीछे जो रीजन है, दैट रीजन इज द टॉपिक, दैट इज द बेंट ऑर्बिटल और बेंट बॉन्ड्स। जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसके अंदर बेंट ऑर्बिटल्स या इसको बेंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, वो एग्जिस्ट करती है। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बेंट ऑर्बिटल्स, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं जो थ्योरेटिकल होना चाहिए। नाउ हमने पीछे sp2 की इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर देखी थी, हमने पीछे जो बॉन्ड लाइन फार्मूला था। तो दिस इज द CH2, CH2, CH2। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं इसको बॉन्ड उसमें ऑर्बिटल डायग्राम में लिखता हूं तो दिस इज द स्ट्रक्चर। दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, और दो दो H लगे हुए हैं, ठीक है। नाउ दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। नाउ दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस, और ये ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज द sp3, दिस इज sp3। तो यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, इट इज फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड। आपको ये पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो बिल्कुल ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग इस एक्सिस के अलोंग बनना चाहिए। दिस इज sp3, दिस इज sp3, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिमिलरली दिस इज sp3, दिस इज sp3, तो यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। यानी कि तीन सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनने चाहिए। तो ये इट शुड बी द थ्योरेटिकल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ साइक्लोप्रोपेन जो होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। द रीजन बीइंग, अगर ऐसा डायग्राम होगा या ऐसी एग्जिस्टेंस होगी तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो होगा क्या स्ट्रक्चर इसका, होगा क्या, तो यहाँ पर इसका जो एक्चुअल ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम होता है उसमें क्या होता है,
जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की वो एक्सिस के लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। देखो होनी तो पिछले डायग्राम में ऐसी थी, इट शुड बी द एक्सियल ओवरलैप, ठीक है, लाइक दिस। जो मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूं इट शुड बी लाइक दिस ओनली, बट ऐसा होता नहीं है। तो फिर कैसे होता है, ये एक्सिस के थ्रू ओवरलैप नहीं करते, ठीक है। यहां पर 60 डिग्री एंगल है तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो इस एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप नहीं करती, थोड़ा उनका एक्सिस शिफ्ट हो जाता है। नाउ इट इज ओवरलैपिंग लाइक दिस, ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही हैं ये ऑर्बिटल्स जो हैं, दिस इज sp3, दिस इज sp3, दे आर नॉट ओवरलैपिंग थ्रू द एक्सिस। ये एक्सिस से हट गया, अब यहां पे ओवरलैप हो रहा है, दिस इज नॉट द एक्सियल ओवरलैप, ठीक है। इनको बोलते हैं बेंट अब ओवरलैपिंग, ठीक है, या बेंट ऑर्बिटल्स, या इसको बेंट बॉन्ड्स बोल देते हैं। होना तो ऐसे चाहिए था पर यहां पर एक बेंट पड़ गया, मतलब ये स्ट्रेट जो आना चाहिए था इट इज नॉट स्ट्रेट, जो ऑर्बिटल्स है अब स्ट्रेट नहीं है, स्लाइटली बेंट होगी। देखो ये एक रॉड है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर इस रॉड को मैं ऐसे कर देता हूं तो इसमें एक बेंट पड़ गया, तो इस बॉन्ड में एक बेंट पड़ गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेंट बॉन्ड्स, दिस इज द नॉन लीनियर ओवरलैप। होना तो 60 डिग्री चाहिए था बट एंगल कितना हो गया, 109.5 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज 109.5 डिग्री, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंट ऑर्बिटल्स, होना चाहिए था एक्सियल ओवरलैप बट ड्यू टू दिस 60 डिग्री एंगल रिपल्शन बहुत ज्यादा है, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए यहां पर ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल है वो बढ़ गया, दैट इज 109.5 डिग्री। तो देयर फोर जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर नॉट ओवरलैपिंग थ्रू द एक्सिस, ठीक है, वो एक्सिस से हट गई, तो ये एक नॉन लीनियर ओवरलैप हो गया, और इसको हम नाम देते हैं बेंट ऑर्बिटल्स का या बेंट्स बॉन्ड्स का। सो ये एक रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन के, यहां पर बेंट ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करती हैं। 60 डिग्री एंगल नजर आता है कि 60 डिग्री है पर एक्चुअल में 60 डिग्री नहीं है, इट इज 109.5 डिग्री। सो इसका एक ऑर्बिटल डायग्राम और देख लेते हैं लाइक दिस। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या चीज है कि जो ये वाला आपका ओवरलैप है, दिस इज द ओवरलैप या जिसको बेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, ये ना तो सिग्मा बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड। द रीजन बीइंग अगर ये सिग्मा बॉन्ड होता तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है, ये आपको पता है, ठीक है, और जो पाई बॉन्ड्स होता है वो हमेशा क्या होता है, दैट इज पैरेलल टू द, दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, या साइड वाइज ओवरलैप होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन दिस इज इलेक्ट्रॉन, तो ये एक साइड वाइज ओवरलैप है, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड बनता है तो दैट इज साइड वाइज ओवरलैप, और अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है तो इट इज द एक्सियल ओवरलैप। अब ना तो ये ओवरलैप जो है ऑर्बिटल्स का, अब ये जो आपको नजर में आ रहा है ना तो ये एक्सियल ओवरलैप है ना साइड वाइज ओवरलैप है, तो ये जो बेंट बॉन्ड है इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ना तो पूरी तरीके से सिग्मा है ना पूरी तरीके से ये पाई है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बीच में है, तो जो बेंट बॉन्ड होगा वो इट वुड बी स्ट्रॉन्गर देन द पाई, ठीक है, ये पाई से तो स्ट्रॉन्गर होगा पर ये सिग्मा से वीकर होगा। तो नॉर्मल जो सीसी बॉन्ड है, ठीक है, और जो सीसी बॉन्ड होगा आपका साइक्लोप्रोपेन में, ठीक है, नॉर्मल जो सीसी बॉन्ड है इट इज स्ट्रॉन्गर देन द साइक्लोप्रोपेन, जो साइक्लोप्रोपेन में सिग्मा बॉन्ड होगा उससे ये स्ट्रॉन्गर होगा जो नॉर्मल है। सो दिस इज ड्यू टू द बेंट ऑर्बिटल्स या बेंट बॉन्डिंग, तो दिस इज द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन डिस्पाइट हैविंग 60 डिग्री एंगल, ठीक है, जो कि नजर में आता है। जो साइक्लोप्रोपेन है इट इज मच मोर स्टेबल, रीजन बीइंग इट हैज द बेंट ऑर्बिटल्स विच आर प्लेस्ड एट द 109.5 डिग्री एंगल्स टू ईच अदर, ओके। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ, सीधा ही पूछते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन, तो इट इज द बेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, बेंट बॉन्डिंग क्या बेंट ऑर्बिटल्स। बाकी जो इंफॉर्मेशन है कि जो बेंट बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड्स के, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच में इंटरमीडिएट है, सिग्मा बॉन्ड से वीकर होगा पाई से स्ट्रॉन्गर होगा,
तो दिस इज ऑल अबाउट द बेंट ऑर्बिटल्स या बेंट बॉन्डिंग एंड द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ओके दिस इज क्लियर। ओके तो यहां पर ये जो इसका स्टेबिलिटी वाला पार्ट है वो खत्म होता है। थैंक्स अ लॉट।